खबर देखने से पहले इस चैनल को यहाँ क्लिक कर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर सभी खबरें सबसे पहले पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। कुरैशी एजुकेशनल फाउंडेशन द्वारा मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां न सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र बल्कि राजस्थान सहित अन्य राज्यों से लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में उनके मैगजीन फजर का विमोचन भी किया गया। साथ ही किस तरह अपने समाज को बढ़ावा दिया जाए और एजुकेशन के जरिए कैसे आगे रहा जाए, इस पर चर्चा हुई। मेरा नाम एजी खोकर है, मैं मुंबई में अपना बिजनेस करता हूँ और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं भी एक स्कूल चला रहा हूँ और उसी को सोच के हुए मैंने ये एजुकेशनल ट्रस्ट की नींव रखी है और उसके बाद में सभी लोगों को ट्रस्ट को मैंने जोड़ा है और कौम को जोड़ रहा हूँ। कौम में सिर्फ एजुकेशन काम करनी हमारी सोच है, देखो आगे क्या होता है। कौम साथ में देखिए तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पहले मेरा सोच था कि अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्टिव अच्छा ऑब्जेक्टिव लेकर चलेंगे तो शायद कौम हमारा साथ देगी, और आज मुझे पक्का कॉन्फिडेंस हो गया कि कौम मेरा सपोर्ट देगी और इंशाल्लाह देगी। राजस्थान से जुड़ी बहुत कम संस्था है, 2-3 कोई संस्था होगी, लेकिन कोई आगे खास मतलब कोई परफेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट लेकर नहीं चले, इससे क्या वो आगे नहीं सब बढ़ सके। देखो ऐसा है, हम एक छोटा सा स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पर्टिकुलर हमारे समाज के जैसे जैसे ये क्रेस बिरादरी का स्टेप बहुत लंबा चौड़ा है, इसका व्यापक पैमाना है, तो हम छोटे से लेके चलें तो इंशाल्लाह फिर उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। पहले राजस्थान लेवल पर लेंगे, राजस्थान के बाद में इंडिया लेवल पर लेंगे हम लोग। जी मेरा नाम कौशल तहसीन सहद है और यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई कि हमारे कौम के लोग इस तरह से एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि हमारे लोग इसी तरह से इस फील्ड के लिए मेहनत करते रहे, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि दूसरे कम्युनिटीज़ के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो लोग एजुकेशन को और बाकी सब चीज़ों में अपनी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा पुश करते हैं, प्रमोट करते हैं, तो इस तरह से हमारी कम्युनिटी को भी करना चाहिए। प्रोग्राम का तो ऐसा है ना कि हम ही लोगों ने अरेंज किया था और स्पेशली इन दो लड़कियों को, क्योंकि हम लोग गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करते हैं, एजुकेशन के लिए तो काम करते ही हैं बट स्पेशली हम लोग गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए हमें इन छोटे से टाउन से आइए जहाँ पर एजुकेशन के मामले में आज भी लोग पीछे हैं, और वहाँ पर इन दोनों बच्चियों ने पोस्ट ग्रेजुएशन तक ये लोग पहुँच चुके हैं, तो हमने अपने प्रोग्राम के लिए उनको वहाँ से और 1500 किलोमीटर दूर से ये लोग दोनों आई है यहाँ पर, नूरजहाँ और शबनम ये दोनों आई है यहाँ पर। मुसलमानों को शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए और मुसलमान शिक्षा में बहुत ही पीछे हैं, तो इसलिए उनको शिक्षा में बहुत पिछड़ा हो गया, इसको शिक्षा देनी चाहिए। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट प्रोग्रेस इन आवर सोसाइटी, इफ यू हैव इनफ एजुकेशन वी कैन प्रोग्रेस इन आवर सोसाइटी। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट प्रोग्रेस विदाउट मनी, सो क्रेस एजुकेशनल गिव अस इनफ support of every Muslim, so we cannot progress in our life and we can make our career